कटरा के लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि 7 दिन के लिए स्टॉल यहाँ पर लगेगा और 50% सब्सिडी से उनको यहाँ से बैग मिल सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि छोटी सी जगह में आप घर पे ही ऑर्गेनिक सब्जियों का मजा ले सकते हैं और अपने घर पे ही आप इस प्रकार की सब्जियां उगा सकते हैं। कटरा की जनता से हम अपील करते हैं कि अगर आपको पीने का पानी जो आपके घरों में इसी डिपार्टमेंट द्वारा आ रहा है, अगर आप उसको टेस्ट करवाना चाहते हैं तो यहां पर एक इन्होंने एक आप लैब इसको बोल सकते हैं कि टेस्ट किट यहां पर रख के इन्होंने यहां पर ये पानी को टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें कैल्शियम की मात्रा कितनी है या फिर और वो पानी क्या पीने योग्य है या नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जो परिवर्तन और मैं हूं सुशील शर्मा। आप ये जो यहाँ पे जो फ्लैक्स लगी हुई है इस पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि माई टाउन माई प्राइड का जो कटरा में आज शुरुआत हुई है और ये प्रोग्राम जो है ये 28 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक ये चलेगा। और अभी हम मौजूद हैं कटरा के देवी पार्क में, यहाँ पर की विभिन्न विभिन्न विभागों द्वारा यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं और ये लोगों की सहूलियत के लिए लगाए गए हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिनको किसी भी विभाग से कोई अगर काम करवाना है वो यहाँ पर आकर इन 7 दिनों में अपने काम करवा सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सबसे पहला स्टॉल जो यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा लगाया गया है जिसपे इन्होंने लिखा है आपकी जमीन आपकी निगरानी, और यहाँ पर रेवेन्यू के ऑफिशियल्स जो बैठे हुए हैं देख सकते हैं कि साफ तौर पर यहाँ पर लोग जो आकर यहाँ पर अपनी जो उनकी बातें हैं जो उनके ग्रीवेंसीज है वो यहाँ पर आकर इनसे बातचीत कर रहे हैं रेवेन्यू के ऑफिशियल से। वहीं पर दूसरा स्टॉल जो है यहाँ पर म्यूनिसपैलिटी द्वारा लगाया गया है और डिजिटल जेएनके बीट 2022। आप ये सर्विस की लिस्ट एक लंबी चौड़ी देख सकते हैं कि जो जो सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल होती हैं इनके द्वारा वो आप देख सकते हैं कि ये म्यूनिसपैलिटी का यहाँ पर ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं। वहीं पर जो स्टॉल और भी डिपार्टमेंट्स के यहाँ पर लगे हुए हैं, जैसे आप ये एमनेस्टी आप देख सकते हैं यहाँ पर एमनेस्टी की स्कीम जो घरेलू जो लोगों के लिए आई हुई है उसका यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस प्रकार से इस स्कीम को जो है वो उपभोक्ताओं के लिए लागू किया गया है। वहीं पर जो है एक स्टॉल यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा लगाया गया है और आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ पर बैग्स में यहाँ पर जो सब्जियां इन्होंने उगाई हैं वो यहाँ पर ये पूरा दर्शा रहे हैं और इनसे हम थोड़ी सी यहाँ पर बातचीत भी करेंगे कि किस प्रकार से ये लोगों को ये फायदा दे रहे हैं। सर, यहाँ पर ये जो आपके द्वारा ये बैग्स रखे गए हैं, यहाँ पर एक स्टॉल आपके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, थोड़ा सा बताइए आप क्या है ये जो हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो स्टॉल इंस्टॉल किया है इसमें हम लोगों को अर्बन फार्मिंग के बारे में एक नया कंसेप्ट दे रहे हैं, क्योंकि जो कि बाहर मेट्रो सिटीज में और बड़ी सिटीज में ये कंसेप्ट ऑलरेडी चलता आया है लेकिन हमारे यहाँ पे ये नया कंसेप्ट है। इसमें हम लोगों को ये बता रहे हैं कि आप अपने घर में वेजिटेबल कैसे ग्रो कर सकते हैं और वो अर्बन एरियाज हैं वहां पे लोगों के पास जगह नहीं है, खाली उनके छत होते हैं, तो ये अर्बन फार्मिंग का कंसेप्ट है। इनमें हम इनको ग्रो बैग्स देते हैं, ग्रो बैग्स में ये सॉयल या सॉयललेस मीडियम्स आते हैं, उनके साथ ये अपने छतों पे या अपनी बालकनीज में अपने घर के अंदर सब्जियां पैदा कर सकते हैं जिसमें कि जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं उनके सीड्स भी इनको प्रोवाइड किए जाएंगे और ये जो ग्रो बैग्स हैं ये हम इनको 50% सब्सिडी पे डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा ऑफिशियल ने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो बैग्स ये देख सकते हैं, कटरा के लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि 7 दिन के लिए स्टॉल यहाँ पर लगेगा और 50% सब्सिडी से उनको यहाँ से बैग मिल सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि छोटी सी जगह में आप घर पे ही ऑर्गेनिक सब्जियों का मजा ले सकते हैं और अपने घर पे ही आप इस प्रकार की सब्जियां उगा सकते हैं। वहीं पर दूसरी ओर यहां पर एक डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू द्वारा यहां पर एक स्टॉल लगाया गया है और इसपे इन्होंने लिखा है कि होम स्टे रजिस्ट्रेशन पॉलिसी, एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है गवर्नमेंट ऑफ टूरिज्म द्वारा कि कदे आओ साडे बेड़े, मतलब इस प्रकार के यहाँ पर ये स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ पर भी ऑफिशियल से बात करेंगे। सर, एक मिनट में आप बताइए कि ये जो आपका ये स्टॉल यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है होम स्टे रजिस्ट्रेशन का, ये क्या है और कैसे ये काम करता है? हमारा होम स्टे पॉलिसी है कि लोग अपने घरों को एक होटल में कन्वर्ट कर सके जिससे कि वो टूरिस्ट को अकोमोडेट कर सके। जी, अकोमोडेशन टूरिस्ट फैसिलिटी बढ़ रही है, टूरिस्ट फ्लो बढ़ रहा है, लोग अपने घरों में आगे पीछे गांव में कहीं अपने होम स्टे करते, लोग अच्छी तरह घर के मॉल में रहे उनको कि अपने जो घर में 1 से 4 कमरे हैं वो होम स्टे में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट की 4-5 फॉर्मेलिटी है छोटी सी, जैसे उनका घर स्टेशन अपना नाम पे होना चाहिए, घर रूम को कन्वर्ट करना है छोटे, अच्छे रूम अच्छा बाथरूम हो, वहाँ लोग अच्छी तरह रह सके, खाने का मॉल दें उसमें,
उसमें हमारी टीम को ऑनलाइन अप्लाई करेंगे हमारे डिपार्टमेंट को, टीम आएगी इंस्पेक्शन देगी जी, उसमें वो अपना होम स्टे रजिस्टर कर सकते हैं लोगों को। तो ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा लिया गया है। एक होम स्टे का जो यहाँ पे प्रोसेस शुरू किया गया है उससे एक यहाँ पर आने वाले यात्रियों को भी कहीं ना कहीं पे फायदा होगा और रोजगार भी इससे बढ़ेगा। ये नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का भी यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है, ऑफिशियल यहाँ पर है। मैडम क्या है आपका यहाँ पे जो स्टॉल लगाए हुए, क्या है इसके बारे में? अनएम्प्लॉयमेंट जी, उसमें क्या हमारे पास स्कीम है, एनुअल की स्कीम है जी। एनुअल की स्कीम के थ्रू हम लोग लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, मैक्सिमम 2 लाख है हमारे पास, मिनिमम 50,000 जी है ना। तो उसके लिए जो है जो लोग भी लेना चाहते हैं उसके लिए लेना। तो ये जो यहाँ पर ऑन स्पॉट आप कौन सी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, अगर लोग यहाँ पर आते हैं आपके पास तो क्या आप उनको ऑन स्पॉट फाइल तैयार होगी जी? तो ऑन स्पॉट आप यहां पर इस स्टॉल पे आके अपनी फाइल तैयार करवा के, जैसे कि इन ऑफिशियल मैडम ने बताया कि ऑन स्पॉट ही आपको इस डिपार्टमेंट के थ्रू आपको अगर कोई लोन लेना है या कुछ करना है तो वो आपको फाइल यहां पर आपकी बन जाएगी। वहीं पर दूसरी ओर मिशन ICDS JNK द्वारा यहां पर जितनी भी नारी शक्ति हमारी बैठी हुई है इनका भी एक स्टॉल यहां पर लगा हुआ है। इनसे भी हम पूछेंगे कि ये जो स्टॉल लगाया हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या है इसके बारे में मैडम बताइए आप बोलिए। ICTS डिपार्टमेंट से हम जी, तो इसमें हम दिखा रहे हैं ये जो पोस्टमैन है ना, ये मतलब जो भी है जी, ये हम आंगनबाड़ी सेंटर में प्रोवाइड करते हैं जी। से जो 6 साल के बच्चे होते हैं जी, उनको इनविटेशन मिलती है जी, सुबह दलिया मिलता है उनको, हलवा मिलता है, प्रेग्नेंट लेडीज होती है जी उनको खिचड़ी देते हैं जी, न्यूट्री वाले चावल देते हैं जी। छोटे जो बच्चे होते हैं 0 से 6 साल के बच्चे उनका हम वेट भी करते हैं अपने आंगनबाड़ी सेंटर में, जो बच्चा वीक निकलता है उसको हम डबल न्यूट्रिशन देते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टॉल आपके द्वारा लगाया गया है इसके लिए लोगों को आप क्या कहेंगे कि आपके द्वारा क्या इन्फॉर्मेशन? आंगनबाड़ी जो लोग हैं आंगनबाड़ी सेंटर में अपने बच्चों को भेजो, यहाँ पे न्यूट्रिशन मिलती है, पौष्टिक आहार मिलता है, प्री स्कूल एजुकेशन मिलती है, 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनको हम पढ़ाते भी है वहाँ पे प्री स्कूल हम भेज आगे। तो ये था मिशन ICDS JNK के द्वारा एक स्टॉल एस्टेब्लिश किया गया। अच्छे तरीके से मैडम ने बताया कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर जो पौष्टिक आहार जो है वो बच्चों के लिए तैयार किया जाता है, हलवा है, चावल है, दही है, खिचड़ी है और भी सब्जियां वगैरह, ये जो सब कुछ रखा गया है यहाँ पर, इस प्रकार के पौष्टिक आहार जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एक स्टॉल इस्टेब्लिश किया गया है जल शक्ति PHC डिपार्टमेंट द्वारा, ऑफिशियल यहाँ पर बैठे हैं। सर आप क्या कर रहे हो यहाँ पर और किस प्रकार का आप यहाँ पे? हम कर रहे हैं कि वाटर टेस्टिंग के देखते हैं, इसमें 11 प्रकार के पैरामीटर होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, PHA हो गया, टोटल हार्डनेस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फ्लोराइड हो गया, फ्लोराइड के अलावा वहाँ पे नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, रेसिड्यूल क्लोरीन, इसमें 11 प्रकार के हम टेस्ट कर सकते हैं। बात ऐसे है कि जैसे कि हम फ्लोराइड का टेस्ट ले लेते हैं पहले, सिंपल ये हम स्मार्ट टेस्ट ट्यूब है, मतलब आप यहाँ पर टेस्ट कर रहे हो, कोई पानी लेके आएगा तो आप उसका टेस्ट कर सकते हो, ये पानी पीने योग्य है या नहीं है, बिल्कुल हम सही ये बता सकते हैं जी। तो ये बहुत ही बढ़िया स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है। कटरा की जनता से हम अपील करते हैं कि अगर आपको पीने का पानी जो आपके घरों में इसी डिपार्टमेंट द्वारा आ रहा है, अगर आप उसको टेस्ट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक इन्होंने एक आप लैब इसको बोल सकते हैं कि टेस्ट किट यहाँ पर रख के इन्होंने यहाँ पर ये पानी को टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें कैल्शियम की मात्रा कितनी है या फिर और वो पानी क्या पीने योग्य है या नहीं है। तो इस प्रकार का स्टॉल ये PHC द्वारा लगाया गया है, आप इसका भी फायदा यहाँ पर जो है वो आके ले सकते हैं। वहीं पर अभी लास्ट स्टॉल जो यहाँ पर है ये बैंक द्वारा, JNK बैंक द्वारा लगाया गया है। कौन कौन सी सर्विसेज ये प्रोवाइड करवा रहे हैं इनसे भी पूछेंगे। सर ये जो आपने यहाँ पर स्टॉल लगाया और ये फॉर्म वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं, कौन कौन सी सर्विसेज आप यहाँ पर ऑन स्पॉट प्रोवाइड करेंगे? हम कोई लोन के रिगार्डिंग जैसे पूछने के लिए आता है कि हमें कौन सा लोन चाहिए, जैसे कोई अकाउंट ओपनिंग के बारे में आता है, अगर वो अपनी गवर्नमेंट लाता है वहाँ पर हम फॉर्म शॉर्म भर के ले जाएंगे जी, उसका अकाउंट ओपन हो जाएगा जी। साथ में ये सुरक्षा बीमा योजना है जी, ये जो फॉर्म है जैसे ईयरली ये लोगों को बताना है कि इसका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है जी, तो अगर किसी की डेथ होती है एक्सीडेंट से तो उसको 2 लाख का इंश्योरेंस है, ठीक है ना, ये ईयरली पैसे कटते हैं उनके 18 रुपये जी जी। उसके अलावा ये जीवन ज्योति योजना है जी, ये इसमें भी ईयरली कटते हैं लेकिन इसमें नेचुरल डेथ, मतलब टोटली मिला के जो बैंकिंग की जितनी सर्विसेज हैं वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हो, इन 7 दिनों में प्रोवाइड करवाइए।
तो ये आपने देखा कि यहाँ पर तकरीबन हर डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपने स्टॉल उन्होंने एस्टेब्लिश किए हैं। अब हम भी कटरा की जनता से हम ये उनको बताना चाहते हैं कि जो जो भी ये वीडियो देख रहा है कि अगर आपको इन डिपार्टमेंट्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी आपको इनसे काम हो, तो आप इन 7 दिनों के अंदर 28 आज की तारीख से लेकर 4 तारीख तक आप यहाँ पर आ सकते हैं और इन स्टॉल से इन जो यहाँ पर ऑफिशियल बैठे हैं इनसे जो सर्विसेज जो है वो आप ले सकते हैं। तो ये थी माई टाउन माई प्राइड की जो आज शुरुआत कटरा में हुई है। फिलहाल जो आज यहाँ पर जनता का जो यहाँ पर आना जाना है फिलहाल वो आज की आज कम है, तो हम उम्मीद लगाते हैं कि कल से जो है वो लोग यहाँ पर आएंगे और इनसे जो सर्विसेज ये जो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो यहाँ पर लेंगे। जुड़े रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मैं हूँ सुशील शर्मा अपने कैमरामैन सहयोगी मोहन चंद के साथ। जय हिंद जय भारत।